गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हमारा पुनरावर्तन चल रहा है। तो लेसन एक हमने फिर से समझ लिया है, बराबर। आगे हम लेसन दो समझने वाले हैं। लेसन नंबर दो कौन सा है हमारा? गिनती 21 से 50 है। 21 से 50 पर आपको तो 1 से 50 की ही गिनती लिखनी है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ हमें दिया है अंक, फिर शब्द, है ना। उसी तरह से आपको भी नोट में अंक से शब्द में लिखना है, बराबर। तो कैसे लिखोगे? तो लिखते समय ध्यान में रखना, एक, बराबर। अब लाइन खींच लो और यहाँ शब्द में पहले लिखो एक, तो अंक में एक, बराबर। इस तरह से आप लिखोगे। अब है दो, तो यहाँ लिखो दो। अब फिर से यहाँ शब्द में लिखो दो और दो, बराबर। उस हिसाब से यहाँ आपको 50 तक गिनती लिखनी है। बराबर। तो एक से 50 तक की गिनती आपको नोट में लिखनी है। कितनी बार? दो बार बोलकर लिखोगे तो आपको जल्दी याद रह जाएगा, बराबर। तो अब गिनती आगे एक से 20 तक है, पीछे 21 से 50 है, बराबर। 21 से 50 तो देखकर अच्छी तरह से आप लिखोगे। अब आगे एक और प्रश्न है, क्या है कि स्वाध्यायी अंकों में लिखिए, यानी कि यहाँ आपको शब्द में दिया है और अंक में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 22 कैसे लिखा जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए 22, तो 22 की लाइन यानी दो की लाइन, बराबर। इक्कीस 22 है ना। तो इस तरह से आप ये खत्म करोगे, 22 यानी कि दो दो। 29 यानि दो और नौ। 48 यानि चार और आठ। 44 यानि गुजराती, जिन्हें आप नहीं समझ सकते हो तो उनका गुजराती करो, जो गुजराती में समझ आ जाए तो तुरंत आप लिख सकोगे। 44 यानि 44 यानि चार चार। 37 यानि कि 37, तीन और सात। 25 को तो गुजराती में भी 25 कहते हैं, तो आपको पता होगा, दो और पाँच। 31 एक यानि एक और तीस, एक और तीस क्या हुआ? 31 यानी कि 31, तो 31 यानि तीन और एक। 50 तो हिंदी और गुजराती दोनों में 50 कहते हैं, पाँच और शून्य। 46 46 चार और छ। 28 यानी कि 28, दो और आठ। 33 यानी कि 33,
देखो बहुत सारे अंग गुजराती और हिंदी दोनों में समान जैसे हैं, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। 33 यानी 33, 3 और 3, 42 यानी 42, 4 और 2, है ना। तो यहाँ आप इसको अंक शब्द में है, अंक में लिखोगे, बराबर। फिर दूसरी एक स्वाध्याय है हमारा, क्या है, सही जोड़ मिलाओ। यहाँ आपको सही जोड़ मिलानी है। मैं कुछ और स्वाध्याय भी आपको अंक के लिए दूंगी, जो आप समझ कर करना, बराबर। तो पहला है 4 और 1, उन्हें क्या कहेंगे, तो 45, 26, 48, 49, 41, तो क्या कहेंगे, 41, बराबर। अब है 4 और 5, तो क्या कहेंगे इसे, 45। फिर 4 और 8, तो क्या कहेंगे उसे, 48। 2 और 6, 26। और 4 और 9, 49, 49 यानी 49, बराबर। तो ये सही जोड़ है, आप यहाँ नंबर लिख दोगे। अब यहाँ गिनती इतनी छोटी है, आप जल्दी से लिख लोगे तो समझकर ध्यान से अच्छे अक्षर से लिखोगे, बराबर। और गिनती लिखते समय फिर से कह रही हूँ कि आप अंक शब्द, शब्द अंक 2 बार लिखोगे, बराबर। 1 से 50 तक, देखो यहाँ 50 लिखा है, 50 है ना। और उसके बाद आप दूसरा और स्वाध्याय शुरू करोगे, बराबर। तो अच्छे अक्षर से सही मात्रा से आप लिख लेना। ओके, थैंक यू।